वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स। तो गाइस आज का जो वीडियो है वीडियो बेसिकली एक हुंडई i10 का स्टार्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बनाएंगे। तो जैसे कि इस गाड़ी का बेसिकली प्रॉब्लम है कि जब हम लोग गाड़ी को क्रैंकिंग कर रहे हैं या तो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, उस टाइम में कुछ मेटालिक नॉइज गाड़ी से आ रहा है। तो ये जो गाड़ी में आखिर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम का रीजन क्या है और इसका जो स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस होगा, ये सब कुछ आज का वीडियो के दौरान सब लोग शेयर करेंगे। तो गाइस ये गाड़ी है हुंडई i10 गाड़ी, तो बेसिकली इसमें कुछ गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो भाई एक बार गाड़ी स्टार्ट करो। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं गाड़ी को क्रैंकिंग करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो गाड़ी जो है गाड़ी मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है और ऊपर से जो है भाई क्रैंक करो, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मैं जब भी गाड़ी को क्रैंकिंग कर रहा हूँ तो उस टाइम में गाड़ी का जो इंजन साइड है इंजन साइड से कुछ टैक टैक टाइप का कुछ मेटालिक नॉइज आ रहा है और गाड़ी जो है गाड़ी मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइज वैसे तो ये जो टाइप का गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा है इसमें गाड़ी का सेल्फ का भी प्रॉब्लम होने का चांस है और गाड़ी का बैटरी का भी प्रॉब्लम होने का चांस है। तो सबसे पहले जैसे कि बैटरी का जो चेकिंग है ये चेकिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी का जो बैटरी है ये बैटरी को आपको कुछ स्टेप है उसमें आपको एज पर स्टेप वाइज इसको चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार गाड़ी का जो बैटरी हुई है ये बैटरी को एक बार चेक करूंगा कि उसका कंडीशन क्या है और इसका रिजल्ट कैसा कैसा आता है। तो गाइस बैटरी का चेकिंग में सबसे पहला जो होगा ये है कि बैटरी का जो वोल्टेज है ये वोल्टेज आप चेक कर लीजिए। तो आपके पास अगर मल्टीमीटर रहेगा तो मल्टीमीटर से आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मल्टीमीटर का ये जो रेंज है इधर में आपको 20 वोल्ट में देना होगा। तो फिलहाल अभी जो बैटरी का वोल्टेज इधर में दिखा रहा है कुछ 12.54। तो गाड़ी का जो इनिशियल वोल्टेज है ये गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ये कुछ 12 वोल्टेज आने से ही गाड़ी का जो स्टार्टिंग होता है ये नॉर्मली हो जाता है और इधर में दिखा रहा है 12.55 ऐसा कुछ वोल्टेज। इसका मतलब है बैटरी का जो इनिशियल वोल्टेज है ये इनिशियल वोल्टेज आपका पूरा सही है। तो नेक्स्ट जो चेकिंग का प्रोसेस है ये कि गाड़ी का जो बैटरी है बैटरी का लोड टेस्ट। तो लोड टेस्ट करने का यही प्रोसेस है कि एक आदमी को आपको उधर में जाकर गाड़ी को क्रैंकिंग करना होगा और दूसरा जो है ये बैटरी का जैसे मैंने इधर में कनेक्शन करके रखा तो ये ऐसे करके कनेक्शन करके रखना होगा और उसके बाद जगह जो मल्टीमीटर है ये मल्टीमीटर में इधर में जो वोल्टेज का वैल्यू दिखा रहा है ये वोल्टेज का वैल्यू आपको ठीक से नोटिस करना होगा क्योंकि जब हम लोग गाड़ी क्रैंकिंग करेंगे तब जाकर ये अगर बैटरी का वोल्टेज अगर 10 से नीचे आ जाए तो जाकर गाड़ी का प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम बेसिकली गाड़ी का बैटरी का ख़राब होने के दौरान से हो रहा है। तो और अगर 10 से नीचे नहीं आए या तो 10 से कुछ ऊपर रहे तो जाकर गाड़ी का जो बैटरी है ये बैटरी पूरा ओके कंडीशन में है। तो फिलहाल उस कंडीशन में जो गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम है ये दूसरा कुछ सेल्फ या तो कुछ अदर्स कंपोनेंट से होने का चांसेस है। तो भाई गाड़ी अभी क्रैंकिंग करो। तो गाइस जब आप इधर में देख सकते हैं कि जब मैं गाड़ी को क्रैंकिंग कर रहा हूँ तो कुछ कैट कैट टाइप का कुछ नॉइज आ रहा है और मल्टीमीटर का जो वैल्यू है ये कुछ 11.95 ऐसा ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि 10 से नीचे आपका आएगा तो इधर में वोल्टेज तो जाएगा आपका बैटरी का प्रॉब्लम होने का चांस है। तो इधर में तो 10 से नीचे नहीं आ रहा है, कुछ 11.98 ऐसा करके कुछ वोल्टेज शो कर रहा है। इसका जो मतलब है इस गाड़ी का जो बैटरी है ये बैटरी पूरा फिलहाल पूरा गुड कंडीशन में है। तो प्रॉब्लम मैक्सिमम ज़्यादा चांस होने का गाड़ी का जो सेल्फ है ये सेल्फ से है। तो अभी जाके गाड़ी का जो सेल्फ है मैं सेल्फ को एक बार डिसमेंटल करूंगा और उसके बाद देखते हैं कि सेल्फ में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस गाड़ी का जो सेल्फ है ये सेल्फ स्टार्टर मैंने कम्प्लीटली बाहर कर लिया। तो अभी इसको एक बार टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद जाकर इसको डिसमेंटल करेंगे। तो गाइस सेल्फ गाड़ी से बाहर करने से पहले सबसे पहले जो आपको करना होगा ये है कि गाड़ी का जो सेल्फ है ये सेल्फ आप एक बार केयरफुली चेक कीजिए कि उधर में उधर किसी पोजिशन में कुछ जला हुआ मार्क या तो कुछ वाटर का जो सल्फर डिपोजिशन का जो मार्क होता है ऐसा कुछ है या नहीं। तो ऐसे तो सेल्फ में इधर में सब कुछ मेरे को सही लग रहा है पर आप इधर में एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी का सेल्फ का जो ऑटो स्विच है ऑटो स्विच के इस पोजीशन में कुछ जला हुआ कुछ इधर में कुछ मार्क दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली इस पोजीशन में देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये बॉडी में कुछ जला हुआ मार्क इधर में दिखाई दे रहा है। तो अभी तो ये मेरे को एक प्रॉब्लम मिला ये ऑटो स्विच का जो इधर में बाइंडिंग का और अभी एक बार सेल्फ को एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं।
तो गाइज अभी जगह जो सेल्फ है, सेल्फ पे एक बार टेस्टिंग कर ले रहा है भाई, टेस्ट करो। तो इधर में आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो, जब हम लोग ये टेस्टिंग कर रहे हैं तो जाके जो ऑटो स्विच का है, ऑटो स्विच का कनेक्शन इधर में जो सेल्फ है, ये सेल्फ इधर में एंगेज हो रहा है, पर ये जो सेल्फ का स्पीड है, ये स्पीड इधर में बहुत कम है। तो आप क्लियरली इधर में देख सकते हैं कि सेल्फ को एंगेज होने के बाद इधर में जो स्पीड होना चाहिए था, ये स्पीड इधर में बहुत कम हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्फ था, ये सेल्फ पहले तो इधर में मूव हो रहा था, पर अभी जो है एकदम भी सेल्फ रोटेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक पोजीशन में पूरा फिक्स्ड है। तो गाइस अभी फिलहाल जो सेल्फ है, ये सेल्फ को अभी पूरा कॉम्प्लीटली डिसमेंटल कर रहा है। तो डिसमेंटल करने के बाद उधर में देखते हैं कि इसका अंदर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो गाइज अभी आप इधर में देख सकते हैं कि ये जो सेल्फ का है, ये सेल्फ का बेसिकली कार्बन ब्रश है। तो कार्बन ब्रश का ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में आप कुछ इधर में कुछ रास्टिंग आप इधर में पूरा क्लियरली देख सकते हैं। और ऐसे इसका जो पीछे का जो कवर था, ये कवर में भी आप इधर में देख सकते हैं कुछ रास्टिंग डिपोजिट हो गया। तो जैसे कि आप इधर में पूरा क्लियरली देख सकते हैं भाई, कार्बन ब्रश उठाओ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी का जो सेल्फ का जो कार्बन ब्रश है, ये सेल्फ का कार्बन ब्रश में इधर में कितना रास्टिंग इधर में फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे कि आप इधर में पूरा देख सकते हैं, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन सब कुछ के, ये जो कार्बन ब्रश है इसमें पूरा रास्टिंग हो गया। तो और उसके साथ साथ ये जो सेल्फ का ये जो पार्ट का है, ये पार्ट का अंदर में भी आप इधर में पूरा क्लियरली देख सकते हैं कि इधर में भी आपका रास्टिंग आ गया। जैसे कि देखिए, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन में कुछ भी रास्टिंग नहीं है, पर ये जो इस साइड का है, देखिए इस साइड में पूरा रास्टिंग है। और उसके साथ साथ देखिए, ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश ऐसे प्रेस करने से ये थोड़ा मूव करता है, पर ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश एकदम भी मूव नहीं कर रहा है। ये तीन कार्बन ब्रश का कंडीशन, ये वाला सिर्फ आपका पूरा स्मूथली मूव कर रहा है, पर ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश आप इधर में देख सकते हैं एकदम भी मूव नहीं कर रहा है, ये पूरा इसका पोजिशन में पूरा स्टाक हो गया। तो अभी जाके ये जो करना होगा है, मेरे ख्याल से तो अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम सेल्फ में नहीं लगा, कुछ भी पार्ट ज़्यादा कुछ डैमेज होने का। तो ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश को एक बार मैं क्लीन करके इसको वापस से फिटिंग करूँगा। तो और इसके साइड में जो ये रास्टिंग सब कुछ है, ये इसको भी एक बार क्लीन करके उसका फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के बाद देखते हैं कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम हो रहा था, उसका कंडीशन क्या है। तो गाइज मैं इधर में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचता है कि कंपनी में जो होता है, ये सब कुछ एक बार में चेंज ही हो जाता है, पर ऐसा कोई बात नहीं। कंपनी वाला में भी जो काम करता है, वो लोग भी कुछ रिपेयरिंग करने के लिए कोशिश करता है। तो अगर रिपेयरिंग नहीं होता तो उस कंडीशन में भी सिर्फ इसका जो चेंज करने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे तो ये जब जो कार्बन ब्रश का कंडीशन है, ये तो आपका जस्ट एक बार सर्विसिंग करने में इसको होने का चांसेस है। तो अभी इसको एक बार क्लीन करके देखते हैं कि ये जो कार्बन ब्रश सब कुछ स्टाक हो गया, ये सब कुछ वापस से नॉर्मली ऑपरेट होता है नहीं। तो गाइज अभी तो फिलहाल जितना भी सेल्फ का सर्विसिंग का पार्ट था, ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी आप इधर में देख सकते हैं कि ये जो कार्बन ब्रश था, ये कार्बन ब्रश इससे पहले बहुत जैम था, जो कि एकदम भी ये प्रेस नहीं हो रहा था। तो फिर आप अभी देख सकते हैं कि ये जो कार्बन ब्रश है, ये पूरा नॉर्मली प्रेस हो रहा है। जैसे कि चारों जितना भी कार्बन ब्रश है, ये चारों कार्बन ब्रश ये पूरा स्मूथली प्रेस हो रहा है। तो एक्चुअली होता है कि ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश बेसिकली सेल्फ का जो इस पॉइंट है, इसके ऊपर इसके साथ कनेक्शन रहता है। तो अगर ये जो कार्बन ब्रश आपका किसी भी पोजीशन में स्टाक हो जाएगा, या तो ये ठीक से मूव नहीं करेगा, तो जाके इधर से आपका सप्लाई ठीक से नहीं होता है, जिसके वजह से सेल्फ का जो रोटेशन स्पीड है वो भी आपका कम हो जाता है। और इसके ऊपर से जो कार्बन ब्रश में जितना भी आपका कार्बन रास्टिंग डिपोजिशन था इससे पहले,
तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा प्रॉपरली इसको पूरा ठीक से क्लीन कर दिया। और ये जो सेल्फ और सेल्फ का इस पार्ट में जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन में बेसिकली इधर में थोड़ा आपको क्लीन करना पड़ता है, तो इधर में मैंने MRI पेपर से इसको क्लीन कर दिया। और इसके साथ साथ ये जो मार्क है, ये मार्क भी इधर से, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन भी आपको इधर से क्लीन करना चाहिए। तो ये सब कुछ जितना भी प्रोसेस है, ये मैंने सब कुछ इधर में क्लीनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अभी जो है ये सेल्फ को वापस से मैं असेंबली कर रहा हूँ। तो गाइज सेल्फ का जितना भी रिपेयरिंग था, ये मैंने रिपेयरिंग सब कुछ कर लिया, और कार्बन ब्रश का भी जो जो पोजीशन में रास्टिंग था, ये सब कुछ क्लीनिंग हो गया। तो फिलहाल मैं गाड़ी का जो ऑटो स्विच था, ये ऑटो स्विच को रिप्लेस करके नया ऑटो स्विच इधर मैं फिटिंग कर रहा हूँ। तो पुराना ऑटो स्विच जो था, ये आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो का शुरू में ही बोला था कि इधर में कुछ बर्निंग कुछ आप इधर में देख सकते हैं। एक तो है इधर में कुछ जला हुआ मार्क इधर में शो कर रहा है, और उसके साथ साथ आप इसका पोजीशन में भी देख सकते हैं कुछ रास्टिंग डिपोजिशन हो गया। तो इसीलिए जो ये जो पुराना ऑटो स्विच है, ये पुराना ऑटो स्विच को रिप्लेस करके मैं ये नया जो ऑटो स्विच है, ये नया ऑटो स्विच को अभी फिटिंग कर रहे हैं। भाई फिटिंग करो। तो गाइज सेल्फ का जो नया ऑटो स्विच था, ये मैंने नया ऑटो स्विच भी फिटिंग कर दिया। तो अभी फिलहाल इसको एक बार टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि इससे पहले जो जब टेस्ट कर रहा था, तो जाके सेल्फ का जो स्पीड था, ये रोटेशन स्पीड बहुत कम हो रहा था। तो अभी देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। भाई चेक करो। तो गाइज अभी आप इधर में देख सकते हैं कि गाड़ी का जो सेल्फ का अभी रोटेशन स्पीड है, ये रोटेशन स्पीड अभी पूरा परफेक्ट है, जो कि इससे पहले बहुत स्लो हो रहा था, तो जिसके दौरान से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। तो अभी जो सेल्फ का कंडीशन है, ये तो मेरे को पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है। तो गाइस सेल्फ का जो रिपेयरिंग प्रोसेस था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने सेल्फ जो है, सेल्फ को गाड़ी में फिटिंग कर दिया। तो इससे पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, वो भी एक बार चेक कर लेते। भाई स्टार्ट करो, बंद करके फिर से मारो। तो अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है, गाड़ी मेरा पूरा एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है, जो कि इससे पहले एकदम भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फिलहाल तो अभी जो गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, ये अभी पूरा सॉल्व है। करते हैं। ये था पूरा आज का वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गाड़ी जब स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो उस कंडीशन में मैंने जितना भी प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप मैंने मल्टीमीटर से चेक किया, और उसके बाद कन्फर्म हुआ कि जो प्रॉब्लम हो रहा था, ये प्रॉब्लम गाड़ी का सेल्फ का ऑटो स्विच का खराब होने की वजह से हो रहा था। तो गाइज मैं इधर में एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी का जो सेल्फ में जो प्रॉब्लम हुआ है, या आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया पर्टिकुलर जो ऑटो स्विच का प्रॉब्लम था, ये ऑटो स्विच ही सिर्फ आपका चेंज हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी का पूरा सेल्फ इधर में पूरा चेंज कर दिया। तो बहुत सारे लोग का ये कंसर्न रहता है कि सर्विस सेंटर में गाड़ी जब जाता है, तो सर्विस सेंटर वाला कुछ भी रिपेयरिंग नहीं करता है, या तो कुछ भी चाइल्ड पार्ट फिटिंग नहीं करते, ये पूरा कंप्लीट कंपोनेंट चेंज करता है। पर ऐसा कोई बात नहीं, गाड़ी जब भी हम लोग के पास आता है, हम लोग उसको प्रॉपरली डायग्नोस करते हैं, तो उसके बाद ही जो प्रॉब्लम फाइंड आउट होता है, वही हम लोग को चेंज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सेल्फ का सिर्फ ऑटो स्विच का ही प्रॉब्लम था, वही मैंने चेंज किया, और गाड़ी का जो प्रॉब्लम था स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ये पूरा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो है, वीडियो आप लोगों को भी काम करने के टाइम में, या तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत काम में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप अगर मेरे चैनल में नया है, तो मेरे जो चैनल का नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए।